सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने पहले आपको संज्ञा के बारे में बताया था ना, आज मैं आपको बताऊंगी विशेषण के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह होता है विशेषण। जैसे कोई भी संज्ञा वाले शब्द थे, जो व्यक्ति थे, वस्तु थी, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, कोई भी जानवर था, जैसे जो उनकी विशेषता को बताएगा वो होता है विशेषण। अब मैं आपको कुछ प्रॉप्स के द्वारा ये समझाती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये सबसे पहले देखो मेरे पास क्या पिक्चर है, ये पॉपकॉर्न है ना, इसमें तो पॉपकॉर्न की विशेषता क्या होती है? पॉपकॉर्न कैसे होते हैं खाने में? नमकीन लगते हैं ना वो खाने में, और कैसे होते हैं वो, और ये कैसे होते हैं? कुरकुरे भी होते हैं ना खाने में, जैसे आप खाओगे इनको तो स्वाद भी लगते हैं ना ये। तो पॉपकॉर्न की विशेषता क्या होती है कि वो नमकीन होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है बच्चों, ये कार है ना, संज्ञा है ना ये, एक तो ये एक वस्तु है, तो अब हमें इसकी विशेषता बतानी है। जैसे कार की क्या विशेषता होती है, सबसे पहले तो इसका रंग इसकी विशेषता है। कैसा रंग है इसका? इसका रंग है लाल। और इसमें पहिए कितने होते हैं? चार पहिए होते हैं इसमें, ये इसकी क्या है? विशेषता है। अब ये क्या है? ये एक व्यक्ति है ना, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये एक लड़का है। और इसने किस रंग के कपड़े पहने हैं? इसने नीले रंग की टी शर्ट डाली हुई है, ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है बेटा। अब ये क्या है बेटा, देखो ये क्या है, ये सेब है। अब आपने सेब की विशेषता बतानी है, क्या विशेषता होती है सेब की? सेब आप खाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सेब की विशेषता क्या होती है। ये खाने में मीठा होता है और ये रस से भरा हुआ होता है। अगर आप इसको डेली खाओगे ना, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। अब ये क्या है बच्चों, ये हाथी है ना, जानवर है, जो कि एक संज्ञा है। मैंने पहले आपको करवाई थी ये भी पिक्चर, आपको बताया था मैंने इसके बारे में भी। तो इसकी विशेषता क्या है हाथी की? हाथी बहुत विशाल काय होता है, बहुत बड़ा होता है ना ये हाथी की विशेषता है। हाँ जी बेटा, अब ये क्या है, ये फूल है ना एक, तो फूल की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो मैंने रंग बताया है आपको, बहुत ईजी है। तो रंग देखो इसका कैसा है, लाल लाल है ना, तो लाल रंग इसकी विशेषता है। और ये महकता है ना बहुत, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो खुशबू भी इसकी विशेषता है। अब ये क्या है बेटा, ये घर है ना, तो घर की विशेषता क्या है, क्या होती है? घर के आगे पार्क होता है ना, गार्डन, बगीचा, तो बगीचा घर की विशेषता होती है। अब घर में कमरे कितने हैं? जैसे घर में चार कमरे हैं, तो ये चार कमरे इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई है। अब ये क्या है बेटा, देखो ये है खरगोश। खरगोश, खरगोश का रंग कैसा है? भूरा है ना, तो भूरा रंग इसकी विशेषता है। और ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा होता है ना, अच्छा लगता है आपको, तो ये भी इसकी विशेषता है। हाँ जी बेटा, ये देखो क्या है, ये मोर है ना। अब मोर की विशेषता तो आपको पता ही होगी क्या होती है। देखो मोर के पंख कैसे हैं, हरे है ना, तो हरा रंग इसकी क्या है? विशेषता है। अब इसकी मोर की गर्दन कैसी है? नीले रंग की है ना गर्दन, तो नीला रंग इसकी विशेषता है। ये बहुत सुंदर नाचता है, नाचना भी इसकी विशेषता है। और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो राष्ट्रीय पक्षी होना भी इसकी विशेषता है। ओके बेटा, अब आप सबको ये सभी समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल देके आपको बताया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विशेषण क्या होता है। जो जैसे ये संज्ञा वाले शब्द है ना सारे, ये जैसे सेब है, लड़का है, कार है, जो भी यहाँ पे रखा है, तो इन सब की कुछ ना कुछ विशेषता है और उसको ही हम विशेषण कहते हैं। ओके बेटा, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।